सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल, वेलकम बैक टू अवर व्लॉग। तो भाई अभी सुबह सुबह मतलब आंटी को देख लो आप, ये है सानिया की मॉम और अंकल जी भी पूजा कर रहे हैं। तो आप लोग पूछ रहे थे कि आपने मॉम डैड को नहीं दिखाया, तो भाई आंटी बहुत बिजी रहती हैं काम में अपने और पूजा पाठ में भक्ति में बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं, और इसलिए मैंने इनको शूट नहीं किया था। मैं इनको पता नहीं कैमरा कॉन्शियस ना हो, क्या पता आने में थोड़ा हिचकिचाए आंटी। आंटी कैसा लगा आपको हमारे साथ? बहुत अच्छा, हमने आपको परेशान तो नहीं किया? बहुत दिल लगा। आंटी बहुत ही ज्यादा प्यारी है और मतलब पूरी फैमिली सानिया की बहुत ही प्यारी है, और आंटी बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। मतलब सारे यहाँ पे शेफ हैं भाई, और आंटी ने इतने प्यार से हमें हर दिन खाना खिलाया है ना, हमारी पसंद का पूछ पूछ के, मतलब बहुत ही प्यार से रखा हमको इतने दिन। आंटी क्या कहना चाहते हो आप व्लॉग में, बताओ क्या कहना चाहोगे? इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, हमारा दिल बहुत लगा हुआ है। आप ये जा रहे हैं तो दिल कुछ हो रहा है। कोई नहीं, हम फिर आएंगे। मैंने आंटी को बोल दिया कि आप मुंबई आना अंकल के साथ, तो आंटी कह रही है अंकल के साथ आऊंगी, बाकी मैं नेहा के साथ आ जाऊंगी। ये है आंटी की एक और किचन, एक्स्ट्रा फ्रिज वाली। ये अंकल पूजा कर रहे हैं। अंकल गुड मॉर्निंग करोगे आप? अंकल शर्मा रहे। अच्छा, अंकल बहुत ही फिटनेस फ्रीक है और बहुत ही ज्यादा मेंटेन रखा हुआ है अपने आप को। हमको शर्म आती है अंकल को देख के कि हमने खा के अपने आप को तोला कर रखा है। अंकल बहुत ज्यादा डाइट कॉन्शियस भी है। अभी देखेंगे अंकल, शर्म आ रही है अंकल। देखो ऐसे दिखते हैं सानिया के पापा। अभी पूजा कर रहा है, चलो डिस्टर्ब नहीं करते इनको। और भाई यहाँ पे इनके एक और किचन है, और ये तो मैंने आपको कल दिखाई दे जहाँ पे हम बैठ के हर दिन नाश्ता करते होते थे। तो भाई अभी नाश्ता वाश्ता सब हो चुका, और बस आंटी ने हमको बहुत ही ज्यादा लाड़ प्यार से रखा है यहाँ पे एक हफ्ते। अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा मुंबई जाने का, डुगू का भी मन नहीं कर रहा जाने का, बट जाना पड़ेगा क्योंकि सारा सेटअप वहीं पर है। तो अब एक महीना सेटल होने में लगेगा दोबारा से मुंबई में। सो गाइस, फाइनली वही निकल रहे हैं। ये हमारा सामान वामान सब रख दिया है यहाँ पे, और हमारी चंडीगढ़ से फ्लाइट है, तो हम पहले जाएंगे यहाँ से चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से हमारी फ्लाइट है, तो फिर वहाँ से पकड़ेंगे चंडीगढ़ की फ्लाइट। चल लास्ट तो आ जा, आज तो लास्ट दिन है, इसके बाद कहाँ आएगी तू व्लॉग में। ये देखो हनी, हनी भी चलो। यार तुम कुछ बोल ही नहीं रहे, सब मातम से बना रखा है कति। ऐसी बात नहीं है, थोड़ा मतलब इमोशनल होता ही है बंदा। ये बड़े बड़े चश्मे लगा के तुम इमोशनल हो रहे हो। तीनों ने चश्मे लगा रखे हैं। चश्मे लगाने से इमोशनल होने जैसी मतलब उसमें भी चलो 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 होता ही है। बाय आंटी अंकल, बाय घर, आई मिस यू सो मच। बैठ बाबू, बैठो 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 बैठो, जल्दी बैठ, बहुत लेट कर दिया यार तुमने, 7:30 यही बजा दिए। क्या तुम चश्मा लगा के आ गए? फाइनली पहुंच गए हैं भाई, सिर्फ 3 मिनट में पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट पे। और यशु जो एयरपोर्ट लुक बना के आई थी सुबह, उसका सब बाल बाल उड़ उड़ के सब हो चुका है बराबर। अभी सही कर लो, गाड़ी में बैठते ही पता नहीं क्या ही को क्या बढ़ जाता तेरे अंदर। खो पै जांदी मैं, खो पै जांदी, खो तो इत्थे पैंदी पई है, एते भूख दी खो पई है, ते मेनू जान दी खो पई है। जान दी खो हनी आज कुछ बोला ही नहीं, हनी मस्त गाड़ी चला रही है। हम जा रहे हैं ऐसे चलो, ऐसे ऐसे खो पै रहे, कुछ मन नहीं कर रहा बोलने का ना। हनी को खो पै रहे, हनी कह रहा मेरा कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा, पता लगे सारी खो मेरे ऊपर आ गई। हाँ भैया, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हम जा रहे हैं, कुछ तो बोलो। बोलने कुछ तो मेरे बारे में, याद आएगी। शीशा तो बंद कर ले, आएगी। कितनी याद आएगी? बहुत है, एक्सप्लेन करके बता। कितनी याद आएगी? एक्सप्लेन करके कुछ नहीं होता, कितनी याद आएगी? सदमे में तू? ओहो, एक तो सदमे च हैगी कुड़ी, जान नु खो पई पड़ी है ओदे कोले, ते असी ढूंढदे पाया कोई, लभदे पाया कोई ढाबा एयरपोर्ट दे कोल होवे। ई तो पहुंच गए हम लोग चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे, और बस सानिया रोने वाली है यहाँ पे अभी। क्योंकि ये शु गाना गा रही है, जल्दी से गा के बता दे गाना। सानिया कह रही है ऐसे, ऐ जाते हुए लम्हों,
तो गाइस हम बस अब निकल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर, फिर से दोबारा शुरुआत करेंगे जाके एक साल के लिए मुंबई। हाँ आ जाओ देख लो। हाँ भाई हनी क्या कहना चाहते हो लास्ट टाइम पे, फिर अब हम जा रहे हैं। हम भी जा रहे हैं, देखो हमारा बैग साथ ही है। फॉरनर आया है सामने, फॉरनर कट ये सारे लोग सोच रहे हैं ये पक्का कोई इंटरनेशनल जा रहे हैं तभी हो रही है। बस आंसू तो आए नहीं, मैं भी पूछ रही नहीं इसने यहाँ पे लगा लगा के आंसू तो आए नहीं है। सो गाइस फाइनली वन 1 महीने के ट्रिप के बाद टू मुंबई और मैंने बहुत ही एंजॉय किया पंजाब को। मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ लुधियाना को स्पेशली, और सानिया को, हनी को, और पूरा जो इतना टाइम इतना एंजॉय किया ना मैंने, मतलब मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था इस बार पंजाब को जाने का, लेकिन क्या कर सकते हैं मजबूरी क्योंकि हम वहाँ रहते हैं, वहाँ जाना है आगे हमें। तो भाई वहाँ रहते हैं, वहाँ घर है हमारे, तो बच्चे हैं तो जाना ही पड़ेगा, तो कर सकते हैं आप जाना ही है तो जाना है। शौक था ना कि हम कभी शूट नहीं करते फ्लाइट में बैठ के, आज सारा एक्सपीरियंस शूट करूंगी मैं अपना। मेरे कान बंद हुए जा रहे हैं तो मुझे खुद भी नहीं पता चलेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। फिलहाल शहर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और मम्मी मेरे पेट में ना चूहे, मेरे कलेजे च को पैगी बस फ्रेशर बंदे ही चला रहा है प्लेन और ये टेढ़ा टेढ़ा करे जा रहे हैं। भाई हमको मुंबई जाना है, दिल्ली की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं, दिल्ली की तरफ क्यों बोल रखा है प्लेन को। तो गाइस फाइनली हम लोग मुंबई पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट, बस ये प्लेन रुके यार। ये जो प्लेन का पायलट है ना उसका मन है नहीं ज्यादा जल्दी उतारने का हमको।
गाइस मैं खड़ी हूँ यहाँ पे ताज के सामने। आज हम आए टर्मिनल वन पे और ये देख लो, ये है ताज, वह ताज वाला ताज। और ये अपना, अभी हम जस्ट यहाँ से एग्जिट करके आए हैं और हमने ऑटो बुक कर लिया अपना, फाइनली जा रहे हैं घर पे। शुभ साहिब से मिलेंगे महीनों बाद, एक महीने बाद। इतनी तो गाइस फाइनली भाई पहुंच चुके हैं घर पे भाई, अब सुबह से मिलेंगे। भाग गया वो तो चले गया। साहिब किस क्यों भाग गया लेकिन ऐसे है? हाँ, फिर वो इसलिए गया है। और चुंडू कहाँ है? ये चुंडू इसके अंदर सोई है, वो बैठ गई। ओ मेरी बेटी बड़ी हो गई है तो है ना सोना। अरे मेरी लाड इधर आ, ये तो बड़ा सा कैसे हो गया तू? कैसे भागा? अरे मम्मा, अरे मम्मा, अरे कदक कदक कैमरा देख ले। नालाज लग रही हो आप तो, क्या बात हो जाई? अच्छा नहीं जा, अभी थोड़ी देर में आएंगे ये पास, ये थोड़ी देर तो करे करे। ये देखो बड़ी हो गई, दिखाए मेरे बोचू को। मेरा बोचा, मेरा गो बोचा। ओ गुच्छा आला है मम्मा पे, मम्मा बहुत गंदी होती है, मम्मा बिल्कुल अच्छी नहीं होती। सो गाइज दिस इज द नेक्स्ट डे, और हम लोग कल आए थे भाई शाम को और लेट हो गए थे बहुत ज्यादा, तो आपने लास्ट देखा होगा हमने अंदर आए थे, बस वही शूट किया था। उसके बाद फिर शूट नहीं किया क्योंकि मैं कल जल्दी सो गई थी। कितने बजे? 8 बजे ही सो गए थे ये, और मेरी चिंता किए बगैर। इनको ये पता था कि मेरा मन नहीं लग रहा और मैं इतना रोई हो रहा था कि मेरा दिल नहीं लग रहा था यहाँ पे। अभी पता नहीं कितने दिन और लगेंगे यहाँ दिल लगाने के लिए। दिल तो मेरा भी नहीं लग रहा था। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा सच में इस बार यहाँ आके, बट कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं यार, जिंदगी है, जीनी तो पड़ेगी, काटनी तो पड़ती है देखो जिंदगी। तो भाई इन सब चीज़ों से परे, आज है फर्स्ट नवरात्रा और आज है गुड़ी पाड़वा, तो सभी को हैप्पी नवरात्रे, नवरात्रे और गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें और बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें लेके आए ये यू नो नवरात्रे और गुड़ी पाड़वा। तो वैसे मुझे गुड़ी पाड़वा पता नहीं कि क्या करते हैं क्योंकि वो महाराष्ट्रियन फेस्टिवल है तो मुझे पता नहीं है, बट मुझे अच्छा लगता है क्योंकि हमारे बिल्डिंग में बहुत सारे लोग हैं तो उन्होंने बहुत डेकोरेट वगैरह कर रखा है, आज ऐसे लिखा हुआ है रंगोली में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो भाई सुबह सुबह हमारी पूजा पाठ सब कुछ हो चुका था और मैं नहा धो के रेडी भी हो चुकी थी, फिर हम एक छोटे से किसी काम के लिए गए, किसी से मिलना था, तो हम उनको मिल मिला के अभी आ चुके हैं यहाँ घर पे वापस। तो सुबह इसलिए ब्लॉग शूट नहीं कर पाए क्योंकि सुबह बहुत काम होते हैं। डुगू का फास्ट नहीं है, मेरा फास्ट है आज से शुरू, तो हो सकता है कि मैं थोड़ी लो लगूं क्योंकि इतने टाइम से तो पता है खाना रोज ही खाते ही थे, तो फर्स्ट डे थोड़ा लगता है वीक सा। और भाई छूबी इतनी शैतान हो चुकी है, इतनी शैतान हो चुकी है ना, ऐसी कोई हद नहीं है। ये टैप से पानी पीता था, वो टैप के ऊपर चढ़ जाती है पैर रख के, दो टैप इक्वल इक्वल है तो दो पैर पीछे रखेगी, दो आगे रखेगी और बेसिन में कूदती है। भाई बहुत ही ज्यादा शैतान लड़की हो चुकी है, दिखा देती हूँ अभी। ये तो रहा मेरा भोला बंदर, मेरी राजकुमारी। गाइज को हेलो करो, गाइज ने बहुत मिस किया आपको, पता है साहिब, गाइज ने बहुत मिस किया था आपको। हाँ मेरा बिट्टू, मेरा भोला बेटा है, मेरा भोला भोला बच्चा। साहिब शुभी तो बहुत गंदी है ना साहिब, शुभी तो बहुत गंदी है। और ये देख लो ये मैडम यहाँ पे लेटी हुई है, ये मैडम देख लो बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई, इसका टीका तूने लगाया है? गुंडी, ये गुंडी भी हो गई, ये तो गुंडी भी हो गई भाई। अच्छा आपको लेना है क्या व्लॉग में? ठीक है आपको ले ले, तो शुभी को ना लू है साहब, शुभी को ना लू व्लॉग में, शुभी को ले लेती हूँ। शुभी पूछ खाती है, पूछ खाती रहती है उसकी। ये देख लो जरा, हो गया स्क्रैच करने के लिए। और ये देख लो जरा, ये बैठी मैडम यहाँ पे आराम से, दिख रहे हैं मुझे यहीं से दिख रहे हैं। मुँह साफ कर रहा है, गंदा हो गया ना मुँह गुंडे को देखना भाई, अब छेड़ेगी उसको, छेड़ेगी, देखना। ओए प्यार प्यार, पारू पारू चल रहा है, पारू पारू।
ओहो, वो चाट रही है, चाट रही है, हाँ पारू पारू चल मिल रहे हैं ना, इतनी देर बाद, इतनी देर से जुदा थे ना दोनों, इसको अंदर बंद कर इसके पास ही है, पास कितने बंद होती है ना इसके पास, वो देखो ये रूप तो हमने अभी देखा है, ऊपर मत चढ़, ऊपर चढ़ के मेरे को पारू पारू पसंद नहीं है, चुपचाप दूर दूर से कर ले, नाटक करने की जरूरत नहीं है, दूसरों को दिखा रही है, शर्म नहीं आती दूसरों को पारू पारू करके दिखा रही है, ओ बेची इधर आ, साहिब नाटक हो रही है अभी, तो बैठ गई उसका जब चढ़ के, तो भाई ऐसे ऐसा है आज का दिन हमारा, और अभी हम शाम के लिए सड्डू को आलू लेके आने हैं, और दूसरी चीज भाई अब हम लोग आ चुके हैं मुंबई, तो धीरे धीरे सारी चीजें दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगी, टॉक विद यशल्स, यशल्स मकबैंग, यशल्स शॉर्ट्स, यशल्स की रसोई भी ट्राई करेंगे कि वीडियोस डालें, अब धीरे धीरे ट्रैक पे आएगा, स्पेशल बनाते हैं उसमें, हाँ धीरे 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 ट्रैक पे आ जाएंगे भाई सारी चीजें, तो आप लोग वेट करना ठीक है, और दोबारा से अपना सपोर्ट दिखाना जैसे पहले दिखाते थे हमेशा, अभी वहाँ पे हमने कुछ कहा नहीं क्योंकि हम भी थोड़ा सा एंजॉय वाले मोड में थे, तो हमने इसलिए आप लोगों को भी नहीं बोला, और मतलब होता ही यार हम लोग क्योंकि ब्लॉग भी एंड नहीं कर पा रहे थे वहाँ पे, क्योंकि हमें ये था ना कि ठीक है यार अभी थोड़ा टाइम स्पेंड यहाँ पे करने आए हैं तो वो एंजॉय करें, तो इसीलिए बाकी अभी बैक टू रूटीन हमारा हो ही चुका है, तो आई होप अब आप लोग ज्यादा ज्यादा प्यार दिखाओगे गाइज, और अभी बहुत सारी चीजें नई नई हम लेकर आएंगे अपनी यहाँ पे, और मैंने कुछ और भी सोचा है, कुछ नए कंटेंट मैंने सोचे हैं इसके लिए नहीं इंस्टाग्राम के लिए, तो अगर मैं वो यू नो ट्राई करूंगी एक बार, अगर आपको अच्छा लगा तो बताना मुझे, ठीक है चलो अभी मिलते हैं हम थोड़ी देर के बाद।